भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 संजय पाठक जिंदाबाद, 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 संजय पाठक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों, आज मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रभारी हमारे बीच यहाँ पर कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा में विधानसभा प्रभारी बनकर श्री अमर जायसवाल जी आए हुए हैं। वो बरही और विजय राघवगढ़ विधानसभा से बहुत ही प्रभावित हैं और मध्य प्रदेश के लाडले भैया संजू भैया से बहुत ही प्रभावित हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने संजू भैया जैसा कोई नेता आज तक नहीं देखा है। वो अपने विचार रखेंगे। मैं महर्षि विश्वामित्र के धरती से चलकर आज जो विजय रावगढ़ विधानसभा में मैं इस विधानसभा को जो आए हुए जो भी जनता जनार्दन से मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मेरा मन गदगद हो चुका है। इसलिए मैं अपने कमल निशान के बारे में दो लाइन अपने जनता रूपी भगवान को जो है मैं अपने विचारों को मैं उनके सामने में विमर्श करने वाला हूं। इसलिए आप लोगों का सभी भाई और माताओं और बहनों और भाइयों को जो है मैं दिल से हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। आज बड़ी हर्ष की बात है। एक तो पहली दिवाली जो थी, जो पहली दिवाली के बाद जो है माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, पूजा करने के बाद उसको जो है वो जो प्रफुल्लित होती है माँ, जो जिसका नाम कमल का फूल निशान है और जो हमारे पार्टी जो भी रखे हैं वो कमल का निशान क्या फूल का निशान है। और माताओं बहनों से आग्रह निवेदन है कि भारी से भारी मत 17 तारीख को चुनाव के जो कार्यक्रम जो रखा गया है, हमारे चुनाव आयोग ने हमारे तिथि निर्धारण किया गया है, उसको सभी माताओं और बहनों से पूरे मध्य प्रदेश से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि उस पर कमल के निशान पर भारी से भारी मतों को देने के लिए और वोट करने के लिए और इर्द गिर्द जो भी भूले भटके जो भी हमारे जो वोटर माताओं और बहनों हैं उस पर मत देने का कृपया करें। इसी के साथ मैं बारी को विराम देता हूं, लेकिन कुछ क्षणों की बात ये बात है कि जो कमल की फूल जो है वो जो अपनी दुखता और विपता और गरीबी की जो मजा लहवाज में जो अपने वो झेल उसकी मार से झेलते हैं, तो हम आपसे आग्रह निवेदन करते हैं कि कमल का फूल को भुलाइए मत। और कमल जो है अगर माँ लक्ष्मी माँ अगर प्रसन्न आपसे होती है तो आपका भी सदैव लक्ष्मी माँ का कृपा रहता है। और जो भी आज भी जो है कमल का फूल पर भूलने का मत कीजिएगा। सिर्फ 17 तारीख को भुलाए भटे और भटके हुए जो है आप पर बूथ पर जाकर वोटिंग करने का कृपया करें। इसके साथ बाणी विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरचना बनाई गई है, बूथ अध्यक्ष, बूथ बीएलए और पन्ना प्रभारी, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अब चुनाव का 17 तारीख को वोटिंग है, 2 दिन का समय बचा हुआ है, सभी को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ में अपने अपनी वोटर लिस्ट के पन्ने पर नज़र लगाना चाहिए और अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने अपने पन्ने की वोट, अपने अपने बूथ की वोट, अपने अपने मंडल की वोट, सभी वोटों पर पूरी जिम्मेदारी से कैसे निर्वहन करना है ये बताइए। मैं सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं को जो मैं निवेदन करता हूं, जो भी हमारे जो कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का जाबाज सिपाही जो है अपने, मैं ये कहना चाहता हूं कि
कम समय है और अपने हिसाब से जो भी है बूथों पर अपना कार्यक्रम के माध्यम से और जो भी है व्यवस्था में लगे और तन मन धन से अपना काम को सुचारू रूप से प्रकट करें। हमारे बीच में कैलाश कचेर जी है। मैं चूंकि युवाओं के नेतृत्व में उनका सहयोग रहता है, मैं चाहता हूं कि युवाओं से वो आग्रह करें कि अब युद्ध की तैयारी का अंतिम समय चल रहा है और इसमें सभी योद्धा अपने अपने बूथ में अपने अपने मोहल्ले में लगकर पूरी वोटों को एक साथ पूरी जिम्मेदारी से डलवाना है और एक एक घर एक एक वोट महत्वपूर्ण है। इसके लिए वो अपने युवाओं को संदेश देंगे। भाई कैलाश कचेर जी, धन्यवाद। बड़े भाई पीड़ित अम्रकार जी, सभी उपस्थिति पदाधिकारीगण, मैं युवाओं को सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि जब आप वोटरों को वोट डालवाने के लिए वोट डालने के लिए कहेंगे तो उनको इस बात का आग्रह जरूर करिएगा। माताएं बहनें, याद करिए उस कोरोना काल का मंजर जब हम ही युवा आपके साथ खड़े थे, हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े थे। आपके घर माननीय प्रधानमंत्री जी का भेजा हुआ राशन, आदरणीय संजू भैया जी का भेजा हुआ राशन, तिरपाल और कोविड वैक्सीन लगाने का संदेश, ये हम ही पहुंचा रहे थे आपके घर 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 जाके हम ही सैनिटाइज कर रहे थे। जिस घर में कोविड का पेशेंट पाया जाता था उस घर की तरफ कोई देखता भी नहीं था। वहाँ दूध नहीं है, वहाँ सब्जियाँ नहीं हैं, ये हम ही जाके आपके घर पूछ रहे थे और हम ही आपकी मदद कर रहे थे। और हमारे संजू भैया ही अपने घर को अस्पताल बना के और पूरे क्षेत्र पूरे जिले की मदद कर रहे थे। इस बात को आप जरूर याद दिलाइएगा। जब वोट डालने एक एक व्यक्ति जाएगा तो अपने दिल में हाथ रख के एक बार जरूर सोचेगा कि हमको कौन सी बटन दबानी चाहिए। मैं किसी को इसके लिए बाध्य नहीं करूँगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा क्षेत्र पूरा विधानसभा कमल की बटन ही दबाएगा और पूरे विधानसभा से 50,000 मतों से रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी भारतीय जनता पार्टी। और सभी युवा रात दिन, लगभग 4 से 5 दिन बचा हुआ है, रात दिन लग के और सभी को पार्टी के जो कार्य हैं जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देंगे। मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज से पूरी जानकारी पूरी डिटेल पूरी योजनाओं की सूची सभी को भेजी है। उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को दें और बताएं। साथ ही अभी अभी जो सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई है वो बहुत ही प्रभावशील योजना है। उस योजना ने पूरे प्रदेश में चिंगारी सी फैला दी है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगी। इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है। जय हिंद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, पूर्व नगर के मंडल अध्यक्ष और बरही नगर के बहुत बड़े अनुभवी नेता हैं संतोष अग्रवाल जी। मैं चाहूँगा कि जो बरही के वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, ये आप भली भांति जानते हैं कि बरही नगर में जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता हैं, वो तन्मयता से कार्य करें और उनके ही दम पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना है। 2 दिन का समय बचा है, अब यह चुनाव आपके ऊपर है। अपना मोहल्ला, अपना घर और अपने वार्ड में कैसे काम करना है इस विषय में वो अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद भाई पीड़ित अम्रकार जी। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे बीच विधानसभा के प्रभारी अमर जायसवाल जी, कैलाश कचेर जी।
सुरेश रामायणी जी, सनत गौतम जी, मंडल के महामंत्री भाई पीड़ित अमकार जी एवं समस्त जनमानस, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं कार्य कुशलता की भरोसा जताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता तन्मयता से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक लाख कार्यकर्ता के बराबर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय पर अपनी अहम भूमिका निभाया करते थे जब देश में हमारी दो सीटें हुआ करती थी। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत कमजोर था। उस समय पर हमारे नगर के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा करके विरोधी पार्टियों से अपने विचार को रखने के लिए घर घर जाया करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के विचार को जो एक बार समझ लेता है वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ जाता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हर बूथ पर, हर बूथ के एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास की पार्टी है। अगर आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही देश का विकास